आदमी इतना मोटा दे रहे ना गीला है, अगर बाई चांस इसमें ब्लेड लगाएंगे सुखा रहे ब्लेड लगे तो और बरीका है ये पूजा ना डस्ट हो जाए, डस्ट हो जाएगा अगर ब्लेड लगाएंगे तो डस्ट हो जाए, मतलब गीला के कारण भी है, नहीं तो ब्लेड नहीं लगाएंगे ना अभी जैसे चलो गीला नहीं रहता तो अभी इसको भी ब्रिक हो जाता है, ये जो अंदर राड लगे ना शर्ट लगे हुए उससे ब्रिक हो गए, लेकिन ये गीला है गीला के कारण है, नहीं तो अभी और ब्रिक हो गए जैसे वो सामने पड़ा ना सुखनो हो ब्लेड लगा रहे नहीं जाकर हां ब्लेड नहीं लगा ले पड़े एकदम डस्ट हो जाए, डस्ट हो जाए उसी तरह जैसे वो जा रहा सामने वाला ऐसा हो जाए, अच्छा ब्लेड लगाना से ब्लेड अगर नहीं रहे ना सूखा रहे नॉर्मल है नरम है, अगर ये सूखा रहे ये दाना नहीं अधिक है, दाना का तुमको बताता हूँ क्या करना पड़ता है, 100 में 2-4 दाना तो जाता है वो कोई सी दुनिया के मशीन हो, कोई दाना नहीं, कोई दाना नहीं है, एक दाना नहीं, एक दाना भी नहीं ना नहीं है, क्या करूँ क्या करूँ, नहीं कोई दाना नहीं, दाना नहीं ना नहीं नहीं आता, बाकी क्या होता ना जो फैन है उनका हाँ बोलिए कम ज़्यादा हो जाता है, अच्छा वो भी फैन हाई स्पीड में है, अगर लगे अपन को दाना जाता ना फैन हाई स्पीड में उसका फैन बैटरी करने से उसका आरपीएम कम हो जाता है फैन का, मतलब को दाना जो कोई उठाए भी तो बंद हो जाता है, ये नहीं कि दाना आता नहीं है लेकिन आए तो बंद हो जाता है, अच्छा उसमें सब सिस्टम दिया हुआ है, वो बीच में पत्ती दिया ना उससे प्रेशर कम हो जाता है फैन बड़े का, और नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद में फैन बेल्ट 2 नंबर में करना पड़ेगा और कम हो जाता है, ठीक चलो माल कैसा कर लो उसको बोलो फिर चलाएंगे, हाँ हाँ कैसे लग रहे हैं सही लग रहे हैं, ये देखो ठीक है सोचो ठीक है देखो ठीक ये देखो ये गीला फल बाहर निकलेगा, फल गीला सब बाहर दे दिए, कचरा गीला फल लकड़ी सब बाहर मास्टर जा भी सब अलग कर दीचे, ये यहां से आते इधर मार तो भेंगे जाते वो गीला रहेगा, अच्छा गीला रहे मोटी काली रहे वो सब इधर साइड में निकल जाएगा, माल के अंदर नहीं जाए वो फली फली ना ये वाला फली है ये वाला कच्चा फली उधर नहीं जाएगा, उधर जाने में नुकसान हो गए वो क्या यहाँ से साइड में गिर जाए फिर से सूखने के बाद वो आदमी मतलब मशीन में डाल सके, एक तो दाना काटा नहीं इसे डाल के नहीं कोई दाना काटा नहीं है, अब तो नया मशीन है टेस्ट करा सो है नया मशीन में सामने जाते दाना काटिए लेकिन कट नहीं रहा, भूसी में देखो अच्छा मेरे सामने फिर से देना पड़ेगा किसान घर में लेके बाद में निकाल लेते हो सूखने के बाद में किसी चीज से निकाल लेते ये देखो मने इसको बेल्ट कहो 2 नंबर में करने का कि फैन का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, अच्छा ठीक है उसके बाद का स्पीड थोड़ा अगर 1 नंबर में हाई स्पीड में अगर तुमको लगता है कि दाना फेंक रहा है तो उसको लो करने के लिए 2 नंबर में बेल्ट में डालने से क्या फैन का स्पीड थोड़ा कम पड़ जाए, कम पड़ जाए मतलब अभी हाई में है लो करने में थोड़ा स्पीड कम आता है खींचे थोड़ा दाने नहीं फटे, अच्छा बाकी जितना भी समय सब सिस्टम भी है ये नहीं कि हाँ अगर दाना फेंक रहे उसका सिस्टम भी है प्रेशर कम दे रहा है दाना सिस्टम भी है तभी दाना जो भी फैले সরছে কেমন হবে সেটা এখন সরছে লোক হয়ে যাবে আপনি হাই বুঝতে পারবেন আপনার তো মেলে দানা ফেলে গাড়ি তো 10-12 মে চলে বহুত কম চলে আজ স্কর্পিও বড় হাই স্পিড মে হাই স্পিড হাই স্পিড মে হাই স্পিড কি লিয়ে হ্যায় কিতনা মাল গিলার হ্যায় নরম মাল কিতনা গিলার হ্যায় ও চলনে মে জাম নি হোগা ও খিচ লেগা আগার হাই স্পিড নেই রহে এ দেখে ফলের জায়গা ওয়ালা দা ফলের জায়গা ওয়ালা দা ওই দিকতে ফল রাউন্ড করে আছে না শুনো তবে ডাবল স্পিড কা হ্যায় अगर कितना माल गीला रहेगा डबल स्पीड में क्या होता है वो खींच लेगा कचरा को चलने के अंदर जाम नहीं होगा जाम नहीं होगा ये डबल स्पीड के थ्री डबल स्पीड का बनाया गया जाम होने के लिए ये हवा ये आज है ये हवा माने ये तुम ये बस्ता देते पारो तुम बस्ता बांधना पड़े बस्ता का बस्ता नीचे से काटना पड़े ऐसे वो पंजामा टाइप बना के दाना कचरा गिरेगा उसके बाद में नहीं तो क्या होता है उधर साइड में चले जाए खराब हो गए बस्ता बांध रहे पैजामा टाइप बना के वो यही छोड़े फोड़वे जो पड़े जो आटा जो आटा है और कम नीचे पड़े वही पड़ेगा उसे उठा के बाद में मशीन में डाल दो लास्ट के बाद डाल दो वाला ही तो ভালো হচ্ছে
সব নিকলে মসুর নিকলে হরা মুগ নিকলে সব নিকলে ভুট্টু থেকে সব সয়াবিন নিকলে ধান নিকালনে ধান নিকালনে কে উসকো কাটনা পড়েগা ওই প্যাডি কি হাউস জিজ্ঞেস করো পুরো নিকাল কে সুপা লাগে ও ডাবল দিয়া সুপা দেনা পড়তা হ্যায় মে খালি ছোট জিনিস নি ধান জন্য শুধু ধান জন্য আলাদা করতে হবে তো দেখলে আদমি ছোট ফসল দেখলে কাছে উসে গাতো তো ফেলতে আপনি অন্তর লেকে উমে যে অন্তর লাড় রিয়া ও হারভেস্টার কা ও আপনি আগে পিছে যাবে ও উপরে তো খতম আছে না আমি দেখিছি হ্যাঁ নি ও তো খতম আর আরেকবার দেখো না মাল দবায়েগা অন্দর বাহার নিকলে জেসে ইঞ্জিন মে ক্রেঙ্ক রে বেসে ক্রেঙ্ক বনা হুয়া আচ্ছা আচ্ছা তো ক্রেঙ্ক কে সাথে উপর নিচে যাতা বো যে মাল তো চলেগা তো অন্দর যায় বাহার খিচেগা ऊपर जाके अंदर चले माल छोड़ देगा अंदर चला जाएगा अगर ये पूरे ऐसे बाहर ही रहेंगे इसमें माल लपेट देगा जैसे पहले पत्ती लगाते थे और धान के समय क्या करना पड़ेगा इसको धान के समय यहाँ से फैन बेल्ट डाल देते ये निकल जाता है ये निकाला जाता है ये काम ये निकल के दूसरा दूसरा कोई हाँ सूपा है सूपा है वो लगता है सूपा ये नट में लग जाता है ये पूरा निकल जाता है और गेहूँ निकलेगा तो इधर निकले अगर गेहूँ निकले हाँ गेहूँ निकले तो ये मुँह खुल जाए যোগান দিল দিতে পারলে যোগান তো থাকবে এরকম থাকবে চারটে লেবার তো রাখতেই হবে চারটে লেবার রাখবে